देखो बच्चों, आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल सिखा रहा हूं। अभी सारे वीडियोस में हम लोगों ने जाना है कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होता है। यू वेलोसिटी से, थीटा एंगल से, हॉरिजॉन्टल से अगर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा कंपोनेंट, एक्सीलरेशन माइनस जी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू कॉस थीटा कंपोनेंट, एक्सीलरेशन जीरो। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो एक्स के लिए हम लोगों ने जो रिलेशन निकाला, पहला हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गया था हमारा, याद कीजिए जरा, एक्स एक्सिस पे यू कॉस थीटा इंटू टी एंड वाई एक्सिस पे क्या आ गया था, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आए थे, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद इन दोनों से मैंने टी एलिमिनेट कर दिया था, नंबर दो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ पाथ वाई बराबर सिखा, यहां टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा रख दिया था आप लोगों ने। तो आप लोगों को याद था, ये आ गया था आपका एक्स टेन थीटा साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन ऑफ पाथ आया था, और चूंकि यहां वाई की सिंगल पावर एक्स का स्क्वायर है तो पाथ इज पैराबोलिक। ये हम लोगों ने यहां सीखा था। नंबर तीन हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन जाना था कैपिटल टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी कितना आ गया था, उसका फॉर्मूला आ गया था यू और टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला आया था टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। दूसरा सरल फॉर्मूला हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट के लिए सीखा था, मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, एच कितना ऊंचाई तक जाएगा। ये तो याद रखिएगा, जब मैक्सिमम हाइट पे होता है तो इसके पास केवल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, वी वाई जीरो हो जाएगा, ऊपर और नहीं जा रहा, ये केवल वी एक्स बचेगा, और वी एक्स की वैल्यू क्या होती है, यू कॉस थीटा, चेंज नहीं होती है। तो इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट सी पर, इसमें केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इसको ध्यान रखते हुए आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला था मैक्सिमम हाइट के लिए, वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी आया था। और तीसरा फॉर्मूला आपको एक और बताया गया था, इसमें फॉर्मूला और बताया गया था हॉरिजॉन्टल रेंज, आर वो कितना आया था। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो आया था वो आर बराबर हम लोगों ने सॉल्व किया था, प्रूफ किया था यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। याद रखिएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया था। इसके बाद हमने वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, छठा फॉर्मूला वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एक्स कंपोनेंट हमेशा यू कॉस थीटा, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी कितना आ गया आपका, तो इसको सॉल्व किया आपने वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, फाइनली वी आ गया था आपका अंडर रूट यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। एंड इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, जहां अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स यू साइन थीटा
माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, इसी टाइम पर अगर वेलोसिटी निकालनी है इस फॉर्मूले से आप निकालते हैं। और अंतिम बात, वेलोसिटी एट एनी पोजिशन, वेलोसिटी एट एनी पोजिशन, पोजिशन बोले तो पी, पी बोले तो एक्स वाई, तो यहां पर वी एक्स जो आया था वो यू कॉस थीटा, वी वाई जो आया था वो अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी वाई आया था, इसलिए वी बराबर आ गया था अंडर रूट ऑफ, इसको आप वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर से सॉल्व कर रहे थे, इट्स इंप्लाइज दैट वी बिकम्स अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई, और इसका एंगल अल्फा जो आ गया था वो टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, इट्स इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी वाई